किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां, ये निगाह मस्ती की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां, ये निगाह मस्ती की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी सपोर्ट की। बहुत सारे जो अल्लाह के बानो हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट की। हम ये सामान गाड़ी भर के लाए। ये काचो का इलाका है, बड़े मुतासर है। इधर से पानी जो है वो मंसूर का है, इधर से पानी जो है बलूचिस्तान का है। तो ये एसएसपी दादू इरफान समो साहब खुद हमारे साथ सामान राशन बांटने आ रहा था, मगर अभी सीएम पहुंचने वाला है तो इसीलिए उनकी ड्यूटी लग गई। तो उन्होंने बोला आप खुद बांट के आओ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी पूरे सिंध में ऑफिसर्स हैं, बाहर निकले, गरीबों की मदद करे, सपोर्ट करे। बड़े मुश्किल हालात में मत चले दा। मेरी आजिज़ी को कबूल, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां। मेरी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जोई ताल का मेरा आबाई गांव है, सारा डूब गया है, सारी पब्लिक रोडों पे बैठी है, और जिसको हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, अपने गांव में निकलो, गरीबों की सपोर्ट करो, मदद करो। और मेरा आपको सलाम है, इस तरह मेरे साथ थे सिंध पुलिस। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं।